अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा, ये उस दिन की वीडियो है जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे, तो फिर हमें भूख लग गई थी ज़ैना मार्केट की तरफ, और ये सदर में अर्रहमान बिरयानी है, तो हम लोग ने यहाँ एंट्री मारी और फिर पेट पूजा की, तो इस हमें रायता मिला और हम लोगों ने मंगाई थी टिक्का बिरयानी, टिक्का पुलाव। और ये देखें कितना ज़बरदस्त है, और सैलेड देखें कितना फ्रेश है। फ़र्स्ट टाइम खाया था, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर ही जॉब वगैरह करते हैं तो आके खाते वगैरह रहते हैं। मेरे भाई ने भी खाया था तो उसने बोला कि यहाँ पर बिरयानी बहुत लश मिलती है, यहाँ पर आके खाते हैं। ये देखें टिक्का पुलाव था, आप यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना मज़ेदार, और जो इसकी चिकन थी एकदम जूसी थी। आप लोग यहाँ का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। और ये है सदर की तरफ, और ये देखें ये री अर्रहमान बिरयानी, ये सदर की तरफ है, बहुत ज़बरदस्त है। और फिर ये दूसरे दिन सैंडविच वगैरह मैंने बनाए थे, तो फिर ये फ्राइज रखी हुई थी हसन के लिए लेके आए थे, बट उसने नहीं खाई, तो फिर ये मैंने गरम कर ली थी। और ये फिर दोपहर का टाइम था और ये मैंने वो बना लिया था रूह अफ़ज़ा का शरबत दूध वाला, जो कि रमज़ान की याद ताज़ा कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत जल्द रमज़ान भी आने वाले हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ड्रेस वगैरह की वीडियो वगैरह भी शेयर करूँगी कि मैं ड्रेस जो स्टिच कर रही हूँ सारे मेरे पास स्टिच हो गए हैं, ट्राउज़र वगैरह रह गए, दुपट्टे वगैरह पीको हो जाएँ, फिर उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें मैंने बिहारी कीमा वगैरह जो मैरिनेट करके रखा था, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बिहारी कीमा बनाओ, तो ये बिहारी कीमा में मसाला लगा हुआ है। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, प्याज लेनी है कि टमाटर बारीक बारीक कटिंग करने होंगे। मेरे पास दही नहीं था, वरना इसमें दही ऐड होता है, और कोई बात नहीं, दही नहीं है तो हम टमाटर से भी काम चला लेंगे। और अब ये देखें मैंने इसके अंदर प्याज, गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छा, अब इसको हम गुलाबी गुलाबी करेंगे, इसको हम रेड नहीं करेंगे। और ये देखें, क्योंकि जब प्याज लाल हो जाती है तो आपका सालन काला हो जाता है, तो सालन के लिए जब भी आप प्याज फ्राई करें तो आप गुलाबी गुलाबी करा करें। अगर शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो उसके लिए गुलाबी प्याज निकाल के आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और फिर सालन के अंदर यूज़ करें। और ये देखें बस मैंने प्याज फ्राई करी, इसके अंदर ये जो मैंने मैरिनेट किया हुआ बिहारी कीमा रखा हुआ था ये इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि सारे मसाले इसके अंदर इंक्लूड हैं, बस हमें फ्राई करना है। अगर दही होता फिर मैं इसके अंदर भुनाई करके दही ऐड करती थी, बस दही नहीं था तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल ले। और अब ये देखें हमारा मज़ेदार सा कीमा रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने कोयले का दम लगा दूंगी और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप यकीन करें। इसके अंदर आप बारीक बारीक अदरक काट के डालें, हरा धनिया डालें, इसके अंदर प्याज के स्लाइसेस डालें, तो बहुत ज़बरदस्त ये कीमा बन के रेडी हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, मेरी वीडियो कैसी लगती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह पाक उनको भी कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर ये रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड फ्रूट वगैरह लेके आ गए थे, मैंने कहा मुझे फ्रूट चाट वगैरह बनानी है, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। वो जैसे आए मैंने आपके साथ फ्रूट शेयर करा, खरबूज़ा लेके आए थे, एप्पल लेके आए थे, ऑरेंज लेके आए थे, और ये हलीम भी लेके आए थे साथ में। ये हलीम भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अब मैं साथ के साथ, अच्छा जैसे फ्रूट लेके आते हैं, मेरा ये सबसे पहले काम ये होता है कि फ्रूट को उनकी जगह पे पहुंचा दिया जाए, वरना अगर आप भूल गए और शॉपर में रह गए तो आप यकीन करें कि आपके फ्रूट ख़राब हो जाते हैं, और फ्रूट इंतहाई इतने महंगे हो चुके हैं रमज़ान से पहले ही, जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मैंने ऑरेंज जूस भी मंगा लिया था, जो मैंने आपके साथ रेसिपी वगैरह शेयर करी थी, ऑरेंज जूस की केस स्टॉक करके रखे हैं, आप यकीन करें वो तो यूं ही ख़त्म हो जाता है रमज़ान से पहले। मैंने इतनी दफ़ा बनाए, आपके साथ रेसिपी शेयर करी है और अच्छा लगता है ऑरेंज जूस वगैरह, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं दोबारा से, अब मैं सोच रही हूँ कि क्यूब्स बना के रख दूँ ऑरेंज जूस के, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं ऑरेंज जूस स्टॉक करके रखूँगी। और फिर जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं क्यूब्स डाल लूँगी गिलास के अंदर, और उसके अंदर पानी डाल के और क्यूब्स को डिज़ोल्व कर लूँगी पानी में, तो हमारा ऑरेंज जूस रेडी हो जाएगा। और अब ये मैं रमज़ान में यूज़ करूँगी, अभी यूज़ नहीं करूँगी। तो ये देखें हमारे फ्रूट अपनी जगह पे आ गए हैं। और फिर ये दोपहर का टाइम था दूसरे दिन का, और ये मिक्स वो बने हुए ब्लॉक बने हुए, और ये मेरी भाभी ने कढ़ी बनाई थी और ये हम लोग खा रहे थे, और साथ में आलू कीमा था।
और फिर ये चावल मैंने बना लिए थे, हसन सो गए थे और मेरे हस्बैंड और मैं खाना वगैरह खा रहे थे। और ये मैंने फ्रूट, ये खरबूज़ा आधा काट लिया था जो कटा हुआ था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो फिर मैंने बोला ये ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने आधा काट लिया और आधा शॉपर में करके रख दिया था। और ये सुबह का टाइम हो गया दूसरे दिन का, तो फिर मैंने ऑरेंज जूस बना के रेडी कर लिया है, निकाल लिया है, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है निकालने में। तो अब मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी कि इसको किस तरह फ्रीज करके रखें हम। और अब ये देखें मैंने कटिंग कर लिए थे, खरबूज़ा है और ये एक आधा खरबूज़ा था और आधा वो सॉरी एक हमारा सेब था, इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया था। अब हम इसके अंदर ऑरेंज जूस ऐड करेंगे और ऑरेंज जूस आप जब ऐड करेंगे आपकी फ्रूट चाट इतनी मज़ेदार लगेगी, इतनी मज़ेदार, बहुत ज़्यादा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे और चाट का मसाला ऐड कर देंगे। चीनी आपको जितनी डालनी आप उतने आप अपने हिसाब से डालेंगे, कोई कम खाता है, कोई खाता ही नहीं है, तो अगर जो नहीं खाता वो शहद ऐड कर ले, उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है आपकी चाट में। और ये देखें मैंने ये चाट मसाला डाल दिया है, इसके बाद अब मैं चीनी डाल दूंगी और फ्रूट चाट, वो क्रीमी चाट भी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो फिर मैंने बोला ये मैं बनाऊंगी, तो फिर ये इतने कौन खाएगा, फिर ये भी रखी रहेगी। और अब आज मैं इंशाल्लाह कल फ्रूट की वो क्रीम फ्रूट चाट की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूंगी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो फिर मैं आई मेरे जहन में एक आइडिया आया, तो फिर मैंने दही रखा हुआ था। अच्छा, दही जब भी मुझे खाना होता है ना, तो फिर मैं उसके अंदर शुगर ऐड करके और फ्रीज़र कर देती हूँ। जब मैं निकालती हूँ आप यकीन करें इतना क्रीमी टेक्सचर हो रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। फिर मैंने बारीक बारीक कहते सेब काटे और फिर मैंने केला काटा और अनार जब आ रहे थे, अनार थे उसके अंदर एक मैंने वो डाला और फिर जो चीनी मिला हुआ दही था वो उसके अंदर मैंने ऐड करा, उसको मिला लिया, थोड़ा सा हनी डाला। आप यकीन करें इतनी मज़ेदार फ्रूट चाट बनी, बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।